नमस्कार, आप देख रहे हैं N20 लाइव। मैं आर रॉय आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारी टीम सिवान सदर चुनाव संपन्न कराने के बाद नौतन प्रखंड में पहुंची हुई है और नौतन प्रखंड में चुनावी सरगर्मियां बहुत तेज है और यहां हम पहुंचे हैं मठिया पंचायत में। और मठिया पंचायत के जो भूतपूर्व मुखिया रह चुके गोवर्धन बैठा, उनकी पत्नी उषा देवी यहाँ से नामांकन की हुई है और चुनाव आयोग द्वारा चुनाव चिन्ह भी मिल चुका है और चुनाव चिन्ह इनका है दो नंबर पे है, क्रमांक संख्या 2 पे है, ढोलक छाप। तो आइए इनसे जानते हैं चुनाव की तैयारी कहाँ तक कर लिए हैं। और जैसा कि कल से नवरात्र भी शुरू हुआ है तो नवरात्र को लेके ये पंचायत की जनता को क्या संदेश देते हैं, आइए इनसे जानते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है मुखिया जी हमारे चैनल पर। सबसे पहले तो मैं अपने ग्रामवासियों को माता जी से प्रार्थना करूँगा कि मेरा ग्रामवासी सदा सुखी रहे और मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामना उन लोगों के लिए और आपके चैनल को भी धन्यवाद देता हूं मैं। तो चुनाव चिन्ह आपको मिल चुका है, ढोलक छाप मिला है, क्रमांक संख्या 2 पे है, इसको लेकर जनता से क्या अपील करते हैं? मैं अपील करूंगा जनता से अपने जी, मेरा ढोलक छाप चुनाव चिन्ह है, क्रमांक 2 पर है और जनता से अपील मेरा यही है कि जनता, मेरा जो भी जनता है, सामान्य जनता, मैं जात पात से ऊपर उठकर सबसे अपील करूंगा कि ढोलक छाप के सामने वाला नीला बटन दबाकर दो नंबर पर भारी मतों से विजयी बनाए उषा देवी को। और फिर से 5-10 साल में रहा हूँ, फिर 5 साल का मौका दें ताकि पंचायत का विकास और मान सम्मान को मैं हमेशा आगे बढ़ाता रहूँ। तो जैसा कि आप 10 साल तक मुखिया रह चुके हैं तो आपको एक राजनीति अनुभव भी है और पंचायत की हर एक जनता आपको जानती है, लेकिन जो नए नए चुनाव लड़ रहे हैं उनको अभी जनता जानती भी नहीं है। तो क्या आपको लग रहा है आपकी जो पहचान है, जो सेवा किए हैं 10 साल तक, उसका फ़ायदा फिर से आपको मिलेगा? देखिए, तो जनता का जनादेश की बात है, जनता जिसको चाहेगी जनादेश देगी। लेकिन सबसे पहले मैं जनता से यही कहूँगा कि 10 साल मैंने जो मान सम्मान जनता को जो विकास किया है वो अनर्थ नहीं जाएगा, जरूर मेरे पक्ष में आएगा। जनता से मेरा यही अपील है। तो हमारे चैनल के माध्यम से अपने पंचायत की समस्त सामान्य जनता से क्या अपील कीजिएगा? 20 तारीख को वोटिंग है, उसको लेकर मैं जनता से अपील यही करूँगा, अपने सामान्य जनता से करूँगा, अपने गरीब भाइयों से करूँगा, अपने दलित भाइयों से करूँगा। मैं जातवाद की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ, मैं लड़ाई मेरा सामाजिक लड़ाई है जो हर जात से ऊपर उठ के लड़ाई मेरा है। यही कहूँगा जनता से कि 20 तारीख को बूथ पर जाने से पहले घर पर अपना योजना बनाना पड़ेगा आप लोगों को। चुनाव चिन्ह ढोलक छाप पर जाकर नीला बटन दबाकर दो नंबर क्रमांक 2 पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनावें। और फिर से मैं जनता के लिए, मेरा तन मन धन तो नहीं है, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं 10 साल में किसी को गर्दन नहीं काटा हूँ, नौकरी के नाम पर मैंने दगा नहीं दिया किसी को, मैंने 10 रुपया किसी को लूटा नहीं, मैं गरीब गुरबा को, मजदूरी को, नरेगा में भी काम हुआ, एक पैसा किसी को मैंने दगाबाजी नहीं किया। इसलिए मेरा यही ख्याल रहेगा जनता के पक्ष में कि मेरा गरीब गुरबा, जब हम जीतेंगे चुनाव तो गरीब गुरबा को रोजगार देंगे और विकास करेंगे, मान सम्मान देंगे, यही मेरा प्राथमिकता होगा। तो जैसा कि हमारे साथ मौजूद थे मठिया पंचायत के भूतपूर्व मुखिया रह चुके, 10 साल तक मुखिया के पद पर विराजमान थे गोवर्धन बैठा जी और इनकी पत्नी इस बार चुनाव लड़ रही है उषा देवी, और इनका साफ कहना है कि मैं 10 साल में जनता की जो सेवा किया हूँ, जनता उसकी मजदूरी जरूर देगी इस बार चुनाव में, और मुझे पूर्णतः विश्वास हो गया है कि जनता मेरे भी समय के कार्यकाल को देख चुकी है और ये 5 साल भी देख चुकी है। जनता तय कर ले कि 5 साल बेस्ट है कि 10 साल बेस्ट था, उसके हिसाब से जनता अपना चुनाव करे। और फिर से मुझे विश्वास है कि फिर से ये जनता ईमानदारी के साथ उषा देवी का जो क्रमांक संख्या 2 पर ढोलक छापे उस पर अपना बहुमूल्य कीमती वोट देकर यहाँ से मुखिया चुनेगी और फिर से मुझे 5 साल सेवा करने का एक मौका अवश्य देगी। तो आप हमारे साथ बने रहिए N20 लाइव पर, मठिया पंचायत का हर एक अपडेट आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।